नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। बोकारो जिले के 17 परीक्षा केंद्रों में आज 10,092 परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इसको लेकर सुबह से ही परीक्षार्थी सभी 17 परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए जुटे हुए हैं। बोकारो जिला प्रशासन ने जिसकी तैयारी कल से ही कर रखी थी, आज सुबह से पुलिस अधिकारियों और दंडा अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन होने वाले इस परीक्षा में दो पारियों में परीक्षा की जा रही है, जिसमें 120 अंक का जनरल इंजीनियरिंग के प्रश्न तथा दूसरे में ब्रांच संबंधित प्रश्न 120 नंबर के होंगे। परीक्षार्थियों ने बताया कि इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बेहतर तैयारी कर इस परीक्षा को देने के लिए आए हैं। जीबीएन 24 न्यूज के लिए बोकारो से अमरनाथ पोदार की रिपोर्ट। मैकेनिकल का जेएसएससी जेई का किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स का कौन सा एमसीक्यू 120 240 आएगा सवाल। 120 जनरल साइज जनरल इंजीनियरिंग, 120 ब्रांच पेपर आएगा। कितने सिटिंग में एग्जाम होने जा? दो सिटिंग में, दो दो घंटा का। इस तरह की तैयारी कैसे है? हम एमटेक पास आउट है। तैयारी बढ़िया? हाँ, जो है ठीक। जेई का एग्ज़ाम है आज और ये टोटल एक ही शिफ्ट में आज टोटल तीन जगह सेंटर बनाया गया है, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो और एक रांची। टोटल इसमें 50 से 40,000 का समथिंग स्टूडेंट हैं टोटल। बस यही आएंगे एग्जाम में, टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन हैं जो बेसिक रहेंगे बेसिक इंजीनियरिंग से, उसमें से मैथ, रीजनिंग, झारखंड, करंट अफेयर और बाकी एक पार्ट वन और पार्ट बी दो एग्जाम इसमें 120 प्लस 120 में पार्ट बी में पूरे टेक्निकल होंगे और 120 में 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन होंगे जनरल से। बस यही है। क्या है तैयारी, कैसी तैयारी? ठीक है सर, तैयारी ठीक है।